इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अब इस आइडेंटिटी में हम ए पुट करें तो हमारे पास जो कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 टेन इनवर्स ए। सिमिलरली बी पुट करें तो कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 टेन इनवर्स बी। तो यहाँ से इसकी जगह मैं 2 टेन इनवर्स ए पुट कर दूंगी और इसकी जगह 2 टेन इनवर्स बी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स ए माइनस 2 टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 2 बाहर, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर। 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी जो है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है जो एक्स की वैल्यू है वो आई ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अगर हम ऑप्शंस में मैच करें ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ऑप्शन ए आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए।